हेलो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी गाजर का हलवा, जिसे हम बिना घिसे बनाएंगे। इसे एक ग्राइंडर जार लीजिए और गाजर को अच्छे से धोकर उसे चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड होने के बाद चलिए एक कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया, उसमें ये सारे गाजर को हम ऐड कर देंगे। और ये हमने मलाई ली है, आधा कप मलाई डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। उसके बाद कुछ इस तरह दिखेगा। हमने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, जिस पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हमने आधा कटोरी चीनी लिया है और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट, आप आपके जो भी पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसे ढक कर पकाएंगे और थोड़ी सी इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। और 5 मिनट और कुक होने के बाद ये लीजिए, गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया झटपट हेल्दी। ना हमने इसमें तेल यूज़ किया है, ना ही कोई घी यूज़ किया है। लीजिए, घर पर ही बनकर हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा तैयार हो गया। और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। Enjoy!